रोहित मैं उन पर आज फिर से हम क्रेटा के अंदर और देखेंगे कि क्रूज कंट्रोल कैसे एक्टिवेट होता है। ये वाली जो क्रेटा है इसमें एक स्पेशल फीचर क्रूज कंट्रोल लेके आता है कि इसमें वन टच आता है। वन टच का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये क्रूज वाले बटन को, तो ये जिस स्पीड पे भी चल रहा होगा उसी पे अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बाकी जैसे ब्रेजा हो या छोटी जो भी गाड़ियाँ आती हैं अल्ट्रोस वगैरह हम बात करते हैं तो उनमें वो वाला सिस्टम नहीं आता है, यानी कि वन टच नहीं आता है। जो क्या सेट होता है उसमें वन टच नहीं दिया गया है, तो ये एक स्पेशल फीचर क्रेटा में मिलता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्रूज कंट्रोल किस तरीके से यूजफुल है उसकी भी हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं NH2 पे, तो यहाँ पे जैसे ट्रैफिक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा ही होता है, अभी लॉकडाउन की वजह से है नहीं इतना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हमारी स्पीड फिलहाल है 80 के, 80 पे हम चाहते हैं कि भाई क्रूज करना कार को, तो ये वाला जो बटन है उसको हमको एक बार ही प्रेस करना है और हम छोड़ देंगे अपने, देख सकते हैं एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और जो स्पीड सेट हो चुकी है वो हो चुकी है 77 किलोमीटर पर आवर की और कार अपने आप चलती रहेगी, रिलैक्स होकर हम छोड़ सकते हैं। अब ये अपनी माइलेज वगैरह में मदद करेगा, माइलेज बढ़ेगी इससे। जैसे हम एक्सलेट करते हैं तो एकदम से ज़्यादा ऑयल कंज्यूम होता है, तो वो चीज़ में नहीं होगी और एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर बढ़ती रहती है। अभी एक खास फीचर इसका ये होता है कि जैसे आप डाउन हिल जा रहे हैं तो यह ऑटोमेटिकली इंजन ब्रेकिंग यूज़ करता है, 77 की स्पीड ही रखेगा, मतलब ब्रेक अपने आप लेगा। अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो मतलब जो पावर है उसको बढ़ा देगा, स्पीड आपकी मेंटेन वही रहेगी और आपके इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा। अभी जैसे अब आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से प्लस एक प्लस पे मतलब एक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं फुल रिलैक्स होकर अभी बैठा हूँ और कार अपनी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे अभी हम और उसको बढ़ाते हैं स्पीड को, माइनस करनी हो आपको, देखो मैं यहाँ से प्लस दबा रहा हूँ तो स्पीड है यहाँ पे बढ़ रही है, घटा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस हो रही है और थोड़ा सा टाइम लेती है। ऐसा नहीं कि जैसे एक्सीलेटर के टाइम पे बिल्कुल एकदम से हो जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं मिलती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगानी ही लगानी है सिचुएशन में, तो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो ये एक बढ़िया फीचर क्रूज़ का आपको मिलेगा। ये हाईवे पे मतलब सब ज़्यादा ये यूज़ में आता है जब आप एक्सप्रेस वेज पे चलते हैं, हाईवेज पे भी जैसे देखो ये तुरंत ही ये लोग आ जाते हैं, बाइक वाले 20 की लेन में चलाते हैं तो ये दिक्कत कर देते हैं। अब सिक्स्थ गियर में गाड़ी मतलब आदत नहीं है ना, तो सिक्स्थ गियर भूल जाते हैं भाई लगाना। तो अभी जैसे फिर से क्रूज़ पे डाल देता हूँ तो क्या करना है, जस्ट ये वाला क्रूज़ दबाना है, मतलब अब डिसेबल हो गया ढंग से। अभी जैसे हम अपहिल चढ़ रहे हैं और स्पीड अपनी है अभी 85 की, तो अपहिल में ही अपने आप देखो अपने आप स्पीड बढ़ा रहा है, अपने आप स्पीड बढ़ा रहा है, उसी हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे डाउन हिल जाएंगे तो अपने आप ब्रेकिंग भी यूज़ करेगा, ये देखना आप डिजिटल, हाँ डिजिटल स्पीडोमीटर भी आता है उसमें ही पता चलती रहती है। अभी दिखा देता हूँ मैं, 87 है तो डाउन हिल जा रहे हैं, तो अगर क्रूज कंट्रोल अभी इनेबल नहीं होता तो ये देखो अपने आप स्पीड बढ़ जाती ना। अब यहाँ पे 87 की 87 ही है तो ब्रेकिंग भी यूज़ कर लेता है। तो ये भाई वन टच क्रूज कंट्रोल का आपका सही एडवांटेज। अभी जैसे अपने को यहाँ पे एक्सेलेटर भी देना पड़ जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक्सेलेटर करूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैं स्पीड दूंगा तो यहाँ से जो क्रूज़ है अपना वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि अब ये घटके स्पीड फिर से 87 पे ही पहुँच जाएगी। भी देखना, तो जिस पे मैंने पहले सेट किया था तो उसी पे अगर मैं एक्सेलेट भी करता हूँ तो उसी पे वापस आ जाती है, ब्रेक दबाने के बाद ये डीएक्टिवेट होता है। तो ये सही फीचर लगा भाई, यहाँ से पेडल शिफ्टर्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से स्पीड बढ़ाई तो ओवरटेक करा आपने, ये फीचर सही है इसमें। स्पीड बढ़ाते हैं और 100 करिए अभी, तो उधर तो जल्दी शो कर देता है लेकिन यहाँ पे 3-4 सेकंड का टाइम ले लेता है और मस्त रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अब फिर से एक हम ऊपर हाई मतलब फ्लाई ओवर चढ़ेंगे तो फिर से आप देखना कि 100 की स्पीड मेंटेन रहती है अपील पे भी। ऊपर की तरफ चढ़े तो 100 की 100 मेंटेन करती है भाई कार। अब नीचे जाएंगे नीचे भी 100 ही मेंटेन कर रखी है, थोड़ा 101 मतलब वो हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे भी चलो हो जाएगी क्रॉस। तो ये भाई क्रूज कंट्रोल का फायदा, ये नीचे बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ मैं, अपने पैर में दर्द हो जाता है कई बार ही पंजा अपने को एक स्पीड पर अगर कॉन्स्टेंट रखना होता है, तो ये सही चीज़ है क्रूज कंट्रोल का।
जहाँ पे इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।